फिर आप कैसे करेंगे तकरीरें, आप कैसे करेंगे? जनाब जारी रखें। तुम्हारे लिए आज भी मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कर रहा हूँ, तुम्हें वज़ीरे आज़म तस्लीम करने के हवाले से हमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पेशकश हुई, जूती की नोक पर टुकराई कि अगर कि अगर कि अगर तुम इमरान को कि अगर तुम इमरान को हम नहीं जानते जितना चीखोगे उतना सच लाऊंगा, जितना चीखोगे उतना सच लाऊंगा। इससे अच्छा है हिकमत से काम ले लो, हिकमत से काम ले लो, हिकमत से काम ले लो। ऑर्डर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। एक सेकंड ऑनरेबल मेंबरान, जिस तरह सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन, सुने मेरी बात, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द सेनेट की बात सबने गौर से सुनी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हाउस की इज्जत एहतराम का ख्याल रखें और आप भी तकरीर सुने आराम से। तो फिर आप कैसे करेंगे तकरीरें, आप कैसे करेंगे? जनाब जारी रखें। जनाब स्पीकर रिकॉर्ड पर, जनाब स्पीकर रिकॉर्ड नंबर पर बैठ जाएं, रिकॉर्ड पर है। आईन हमने बनाया, हमारे अकाबिर ने बनाया और आईन पर अमल दरामत आप लोग हमें समझा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आईन पर अमल दरामत की पादाश में यहाँ लोग तख्तेदार पर चढ़े। हम जनाब स्पीकर हुकूमत जनाब स्पीकर हुकूमत सुबह शाम मनसूबा बंदी करती है। IMF के पास हम प्रोग्राम में गए कि बहाल कराए तुम्हारा दिया हुआ प्रोग्राम। इनके वजीर खजाना की ऑडियो लीक हुई कि IMF के प्रोग्राम को तहस नहस करो। मैं सलाम पेश करता हूँ, जानता नहीं हूँ, वो जो आपके पंजाब का वजीर खजाना था उसने कहा इसमें पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा किरदार क्या है कि जाए भाड़ पाकिस्तान भाड़ में जाए और तुम वजीर आजम बन जाओ, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और तुम वजीर आजम नहीं बनोगे। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर माइंड अप कर दें। जनाब स्पीकर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर तुम्हारा पेशावर वाला किरदार, वो कह रहा था ये काम इस्लामाबाद वाले ने किया है और इस्लामाबाद वाला कह रहा था ये पेशावर वाले ने किया है, शर्म नहीं आती? माइंड अप करें जनाब। तो हम है खामोश कि बरहम न हो आलम का निजाम, ये समझते हैं कि हम में ताकत फरियाद नहीं। तुम्हारे तख्त को ताराज हमने किया, हमने जिस जवां मर्दी के साथ तुम्हारे खिलाफ मैदान अमल में 4.25 साल से जायद गुजारे, तुम्हारे पास विफाक की हुकूमत, तुम्हारे पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, तुम्हारे पास पंजाब की हुकूमत, तुम्हारे पास गिलगित की हुकूमत, तुम्हारे पास आजाद कश्मीर की हुकूमत, तुम्हें अमरीकी और इसराइलियों की हिमायत हासिल, तुम फिर भी अपने वजीर आजम को नहीं बचा सके। कान खोल कर सुन लो, अपने लीडर को भी सुना दो
कि तुम्हारा बाप भी इसराइल को पाकिस्तान से तस्लीम नहीं करवा सका, तुम भी नहीं करवा सकोगे। तुमने वहां तुम्हारे ऑडियो और वीडियोस हैं, तुम झूठ से मुनकर नहीं हो सकते। कादियानियों के हकूक के हवाले से तुमने उसके वोट को का हक दिलाने के हवाले से बात की, तुमने उसको गैर मुस्लिम की अकलियत की शिक्ष से निकालने की बात की। तुम्हारा बाप भी कादियानियों को दार इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकोगे। और उसके लिए तुम्हें माल और दौलत नहीं, 22 करोड़ लोगों पर बमबारी करनी पड़ेगी, उनको सफाई हस्ती से मिटाना होगा, तब तुम इसराइल को तस्लीम और कादियानियों को शायद दायरे इस्लाम के वो जो आईन में शिक है उसके लिए कोई उनके साथ कोई सहूलत कर सको। हाउस इन ऑर्डर करें, अभी मैंने बहुत तकलीफ ली। दुनिया ने खबर है देखें, अगर बच्चों का नाम गैर मुनासिब तरीके से अगर लिया गया है तो मैं उसको हजफ करता हूं। दैट हैज बीन एक्सपॉइंट। चीखो, चीखो, चीखो। जनाब स्पीकर एक्सपंज कर दिया। जनाब स्पीकर सुने तो सही ना आप। जनाब स्पीकर वो कौन लोग हैं, जनाब स्पीकर वो कौन लोग हैं जो इमरान को इदारों के अंदर खुफिया मीटिंग्स की मालूमात दे रहे हैं? एडजेंट जनाब स्पीकर वो कौन लोग हैं, जनाब स्पीकर वो कौन लोग हैं जो खुफिया इदारों के अंदर मीटिंग्स की मजलसे पार्लियामेंट की कार्रवाई बरोज पीर 10 अप्रैल 2023 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है?